नबी मत होत रहो ना हम घर बनवा पावत रहनी है। हम के हमरे खाली मर दे के ना बेज रहे हमें से लोगन फसावत आ कैसे हमन के मन करता क्या रो जानी जहर खा के मर जाई। देवरिया में 2 अक्टूबर को हुए हत्याकांड के बाद से ही वहां का माहौल कैसा है किसी से छिपा नहीं है और दिन पर दिन 6 लोगों की हत्या की गुत्थी उलझती चली जा रही है। जहां एक तरफ इंसाफ की मांग हो रही है तो वहीं दूसरी ओर पुलिस किसी भी तरह इस हत्याकांड का पूरा खुलासा जल्द से जल्द करना चाहती है। इस बीच नवनाथ मिश्रा जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया उसे हत्यारोपी बताया, वहीं उसकी पत्नी अब सामने आई है। वो लगातार मांग कर रही है कि उनके पति निर्दोष हैं और उन्हें छोड़ देना चाहिए। जब यूपी तक उनसे बातचीत करने पहुंचा तो वो रो रो कर गुहार लगाने लगी कि उनके पति को छोड़ दिया जाए, उनके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। वहीं रोते हुए नवनाथ मिश्रा की पत्नी ने सीधे सीधे एक बड़ी बात भी कह दी, उन्होंने जान देने तक की बात यहाँ पर कह दी। यहाँ से मतलब हम उनके घर तक नहीं जाएगा, हमन के ब्राह्मण परिवार है, अपने ही दुआरे घरे तक हमन के जौन भी काम धंधा रहे अपने दुआरे घरे तक, उनके घर तक हमन के नहीं गेल बाटे। पुलिस तो मुइन मुलजिमिनी को मान रही है, मान रही है, दबाव से जबरदस्ती मारपीट के बुलवा रही है, दंडा के और डर से कि सही बात नहीं कह पाए, झूठ कही। वह लोगों के साथ पेश करता है, बताए साहब हम 3 ठे लैकन के लेके कौने घाटे लगी, जमीन ऊ लिखौल, जमीन ऊ लिखल, ओमे हमके का मिले वाला बा। हमारे लगे सुबह ही तो घरों ना आए बा, मरई कंट्रेने के घर में हम रहत आटे, न बेमत होत रहो हम घर बनवा पावत रहनी है। हमके हमरे खाली मर दे के इतना बेज रहे हमें से लोगन फसावत आटे कि हमन के मन करता चारों जनी जहर खा के मर जाई। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। क्या करते हैं वो? छोटे छोटे हैं सब, एक 11 साल का, एक 12 साल का, एक 13 साल की लड़की है। अच्छा, पढ़ते हैं गांव पे? हाँ, महाराणा स्कूल है, सब पढ़ाना, अभी तक हम फीस नहीं दे पौले बाट। आपको बता दें कि देवरिया के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में प्रेमचंद यादव और सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के बीच में 12 बीघी जमीन को लेकर विवाद था। दरअसल ये जमीन 2 सगे भाई सत्यप्रकाश दुबे और ज्ञान प्रकाश दुबे के नाम थी। ज्ञान प्रकाश ने अपने हिस्से की जमीन पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव को बेच दी थी। इस बात को लेकर ज्ञान प्रकाश के छोटे भाई सत्यप्रकाश से नाराजगी थी। विवाद लंबे समय से चल रहा था। इसी बीच आरोप है कि 2 अक्टूबर को सत्यप्रकाश दुबे के पक्ष के लोगों ने प्रेमचंद यादव की हत्या कर दी, जिसके बाद आरोप ये भी लगा कि बदले की भावना से दूसरे पक्ष ने सत्यप्रकाश समेत 5 लोगों की हत्या कर दी और देखते ही देखते इस हत्याकांड ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया। अब इस मामले पर लगातार कोई न कोई बड़ा एक्शन हो रहा है, कोई बड़ा अपडेट आ रहा है, लेकिन गुत्थी अभी तक उलझी हुई है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस मुद्दे पर और क्या कुछ होता है। देवरिया से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।